नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। सरकार लोगों का स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का कितने ही दावे कर ले, लेकिन मरीजों का इलाज करने वाले अस्पताल खुद बीमार है। यह तस्वीर है उज्जैन के जिला अस्पताल की, जहां कागजों पर मरीजों का एक्सरे किया जा रहा है। इस मामले में जब सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने बजट न होने का हवाला देकर मामले से किनारा कर लिया। वहीं गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को मजबूरन बाहर से एक्सरे कराना पड़ रहा है। प्रदेश के सरकारी अस्पताल अव्यवस्थाओं को लेकर आए दिन सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में उज्जैन के जिला अस्पताल की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिन्होंने मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की पोल खोल दी है। जिला अस्पताल में डिजिटल एक्सरे फिल्म खत्म हुए एक महीना हो चुका है, जिसके चलते मरीजों का कागज पर एक्सरे किया जा रहा है। रेडियोलॉजिस्ट ने एक तरफ नोटिस चस्पा कर सूचना जारी कर दी कि डिजिटल फिल्म खत्म होने से एक्सरे नहीं होंगे। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर राजू निदारिया ने बजट ना होने की बात कहकर मामले से किनारा कर लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर राजू निदारिया की माने तो कागज का एक्सरे उतना ही कारगर है जितना डिजिटल फिल्म का एक्सरे। एक्चुअली क्या, जो कंज्यूमेबल का बजट है वो 4 लाख आया था, वो हमारे जो पूर्व सिविल सर्जन महोदय और जो है खत्म कर चुके हैं उसको। ठीक है, नया बजट जब तक नहीं आएगा जब तक हम खरीदारी नहीं कर पाएंगे, क्यों प्रभाव पड़ेगा? डिजिटल में क्लियरिटी रहती थोड़ा, अगर नहीं है तो पहले डिजिटल ही था जब भी तो काम कर रहे थे हम, है ना, उसकी प्रिंट निकाल के दे रहे हैं, वो भी उतना अच्छा है, इफेक्टिव है। रेबीज इंजेक्शन आ गए हमारे पास, 2000 इंजेक्शन आ गए, 2000 के और ऑर्डर दे दिए। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।